गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर लेक्चर नेक्स्ट इज जर्नल इंश्योरेंस जो हिस्ट्री है जर्नल इंश्योरेंस की उसे भी हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 17 सेंचुरी में जो जर्नल इंश्योरेंस सबसे पहले अराइज़ हुआ था वो अराइज़ हुआ था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ वेस्ट और वहां से शुरू हुआ मेराइन ट्रेड लॉसेस के लिए बेसिकली ये शुरू हुआ था और उस टाइम पे बॉन्ड्स को यूज किया जाता था लॉसेस को कवर करने के लिए उसके बाद फायर इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ ना, 1666 में जब इंग्लैंड ने फेस की ग्रेट फायर और उसकी वजह से 85 परसेंट ऑफ दाउसेस जो थे उनको लॉस हुआ सिक्सटीन uh, में निकोलस बारबोर्न और उसके इलेवन एसोसिएट्स ने की फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी और उसकी सक्सेस की वजह से उसी डिकेट में बहुत सारी कंपनीज में आई इन कंपनी लेट नाइनटीन सेंचुरी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ 1948 में रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश हुई इंग्लैंड में सेम सेंचुरी में वेस्टर्न गवर्नमेंट ने बिगेन किया इनिशियट लिया इनिशिएशन uh, लिया नेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को स्टार्ट uh, करने का अगेंस्ट सिकनेस एंड ओल्ड एज फर्स्ट कंपनी जो थी वो थी ट्रेटन इंश्योरेंस कोलकाता uh, कलकत्ता uh, जिसने स्टार्ट किया बिजनेस 1850 में और ये जो कंपनी है एस्टेब्लिश की थी ब्रिटिशर्स ने इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड सेटअप हुई 1907 में जो सभी टाइप्स के जो भी जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस थे उसमें ट्रांजैक्ट करती थी 1957 में जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल को सेटअप किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी बिजनेस हो रहा है इंश्योरेंस के सेक्टर में वो फेयरली कंडक्ट हो और साउंड बिजनेस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाए इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया 1968 में रेगुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को और मिनिमम सोलवेंसी मार्जन्स को सेट करने के लिए देन 1972 में जर्नल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया और उसकी वजह से जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में सेटअप हुई और जो भी कंपनीज थी उन्हें अमलगमेट कर दिया गया फोर कंपनीज में और वो फोर कंपनीज थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2000 में IRDA जो एस्टैब्लिश हुआ था उसने ओपन की मार्केट इंश्योरेंस की प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और सेम तरीके से जैसे लाइफ इंश्योरेंस था जो फॉरेन कंपनीज थी उन्हें अलाउ किया गया विद ऑनरशिप अप टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट फोर कंपनीज जो थी जो वर्क कर रही थी एज अ सब्सिडी ऑफ जीआईसी उन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया और उन्हें इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया गया देन बात कर ये थी हमने बात की हिस्ट्री की इंश्योरेंस की देन अब बात करते हैं मीनिंग क्या है इंश्योरेंस का जैसे हमने पहले बात की कि इंश्योरेंस क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस है. है जो भी आपको पोटेंशियल लॉस होगा जिस भी रिस्क से उससे आपको कंपनसेट करने का जो लॉस है आपका लाइफ भी हो सकती है प्रॉपर्टी भी हो सकती है तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड एंड इंश्योरर दो टर्म्स हैं जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दो पार्टीज इन्वॉल्व है एक है इंश्योर्ड और एक है इंश्योरर। इंश्योर्ड वो पर्सन है जिसे इंश्योरेंस दिया जा रहा है जो कस्टमर है इंश्योरर वो पर्सन है जो इंश्योरेंस कर रहा है तो जो कंपनी जो दूसरे पर्सन को इंश्योरेंस बेच रही है मतलब जो इस बात के लिए एग्री कर रही है कि अगर कोई भी इवेंट होता है तो उस केस में जो पर्सन है मैं उसे इंडेमनीफाई करूंगा इनडेमोनीफाई करने का मतलब जो भी उसका लॉस हुआ है उसे मेक गुड करूंगा तो उसे हम कहते हैं इंश्योरर और वो पर्सन जिसे इनडेमिफाई किया जा रहा है मतलब जिसे ये आप इंश्योरेंस दे रहे हो कस्टमर जो है कि आपको अगर ये लॉस हुआ इस इवेंट से तो मैं आपको पैसा दूंगा वो लॉस को मेक गुड करने के लिए तो उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड और जो इंश्योरर है वो कुछ फी चार्ज करेगा इस इनडेमिफिकेशन के लिए एक सर्टेन पीरियड के लिए जो इसने करने का वादा किया है उस फीस को हम प्रीमियम कहते हैं तो जो वर्ड इंश्योरेंस है वो आया है लेट मिडल इंग्लिश वर्ड इंश्योरेंस एन आगे वर्ड में यूज होता है ई एन एस यू आर ए एन सी ई जिसका मतलब है इंश्योर करना एश्योरेंस देना या गारंटी करना तो यहाँ पे सिंपल सा डिक्शनरी मीनिंग अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मीनिंग हम देखे तो इंश्योरेंस का मतलब है एक अरेंजमेंट जहां पर एक कंपनी या स्टेट अंडरटेक कर रहा है प्रोवाइड करवा रहा है गारंटी कंपनसेशन की स्पेसिफाइड लॉस डैमेज इलनेस या डेथ के लिए इन रिटर्न उसे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है जो आप उसे पेमेंट दे रहे हैं जिसे एक स्पेसिफाइड प्रीमियम कहा जाता है डेफिनेशन इंश्योरेंस की डेफिनेशन की हम बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लीगल लीगल प्रिव्यू और फंक्शनल डेफिनेशन तो सबसे पहले लीगल डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू ई डब्ल्यू पेटरसन इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू जो एक पार्टी है जो उसे कंपनसेशन मिल रहा है जिसे प्रीमियम कहा जाता है उसके बदले में एज्यूम करती है पर्टिकुलर रिस्क दूसरी पार्टी का और प्रॉमिस करती है उसे पे करेगी वो या उसके नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट सम ऑफ मनी किसी भी स्पेसिफाइड जो भी स्पेसिफाइड आपकी कंटीजेंसी है उसके होने पर तो एस पर ई डब्ल्यू पेटरसन इंश्योरेंस की क्या डेफिनेशन है एज पर ई डब्ल्यू पेटरसन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी फॉर अ कंपनसेशन कॉल दी प्रीमियम एस पर्टिकुलर रिस्क ऑफ दू पे टू हिम औरबल समिफाइड कंटीजेंसी ये है लीगल डेफिनेशन इंश्योरेंस की अब बात करते हैं फंक्शनल डेफिनेशन फंक्शनल डेफिनेशन क्या है एज पर जॉन मैगी इंश्योरेंस इज अ प्लान वेयर इन कलेक्टिवली शेयर ऑफ रिस्क ये डेफिनेशन से आती है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जब प्रिंसिपल पढ़ा था कि किस प्रिंसिपल पर जो इंश्योरेंस है वो बेस्ड है कि आपका पूल ऑफ फंड्स है जिसमें जो रिस्क है शेयर हो जाता है तो एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं इन दर्ड्स ऑफ रॉक फेल इंश्योरेंस इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ फ्यू पर्सन इंटू मेनी डेफिनेशन ठीक लगे आप उसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेचर क्या है इंश्योरेंस का सबसे पहली चीज जो है दैट इज कॉपरेटिव डिवाइस तो ये जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसी के ऊपर बेस है कि जो आ, इंश्योरेंस है वो कॉपरेटिव डिवाइस है कॉपरेटिव डिवाइस कैसे है इंश्योरेंस में क्या होता है पूल ऑफ फंड्स है जो क्रिएट किसके थ्रू होते हैं वो सारे पर्सन के थ्रू जो अपने आप को इंश्योर्ड करवा रहे हैं और बर्डन शेयर कर रहे हैं रिस्क का अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए जैसे डेथ फायर बर्गलरी एक्सीडेंट मेराइन पोल्स एक्सेट्रा कॉपरेटिव डिवाइस कैसे हुआ पूल ऑफ फंड्स डिफरेंट पर्सन जो उस रिस्क से एक्सपोज हैं उन्होंने इंश्योरेंस लिया वो पैसा एक पूल में इकट्ठा हुआ और जिसको भी लॉस हुआ उस पूल से उसे वो कंपनसेट कर दिया गया तो दिस इज अ अपरेटिव डिवाइस नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे है हमने अभी बात की एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस जहां पर जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है जो इंश्योर्ड है वो अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा है इंश्योरर को कि अगर कुछ भी हुआ इवेंट अगर हैपन हुआ तो जो इंश्योरर है वो पे करेगा इंश्योर्ड को तो इंश्योरेंस क्या है रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ट्रांसफर करता है अपना रिस्क इंश्योरर को नहीं करेगा तो जो पर्सन है उसे खुद बियर करने पड़ेंगे इकोनॉमिक लॉसेस अगर करेगा तो इकोनॉमिक लॉसेस कौन बियर करेगा पर्सन इंश्योरर करेगा नेक्स्ट योर स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क इंश्योरेंस वो मैकेनिज्म है जिसमें जो रिस्क है फ्यू पीपल का वो स्प्रेड हो जाता है ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो सिमिलर नेचर ऑफ प्लान ऑफ इंश्योरेंस में जिसने प्लान लिया है नेक्स्ट इज़ लार्ज नंबर ऑफ़ पर्सन जो सक्सेस या फेलियर है एक इंश्योरेंस कंपनी की वो डिपेंड करती है अपॉन दी नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर नंबर लार्ज होगा तो कंपनी स्प्रेड करेगी सेम जो लॉस ऑफ रिस्क है ओवर दी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन और वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेगी नेक्स्ट इज रिस्क इवेलुएशन जब एक प्लान लॉन्च करती है कंपनी तो वो एक अमाउंट फिक्स करती है कि अगर वो ये रिस्क ले रही है तो उसके लिए आपको उसे कितना अमाउंट पे करना है कितनी फीस पे करनी है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं तो प्रीमियम कितना चार्ज किया जाएगा ये डिपेंड करेगा ऑन दी वॉल्यूम ऑफ रिस्क अगर रिस्क हाई होगा तो हाई प्रीमियम चार्ज किया जाएगा इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ओल्ड एज पर्सन के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं और जो चिल्ड्रन यंग पीपल हैं उनके लिए कम प्रीमियम चार्ज करती है नेक्स्ट इज प्रीमियम वो पर्सन जिसे इंश्योर्ड किया जा रहा है वो एक अमाउंट पे करता है जो भी उसका रिस्क है उसे जब वो ट्रांसफर कर रहा है इंश्योर्ड इंश्योरर को तो एक जो वो अमाउंट पे कर रहा है उसे हम प्रीमियम कहते हैं तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे एज अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड नेचर ऑफ जॉब एक्सेट्रा देन इंश्योरेंस इज अ सर्विस इंश्योरेंस सर्विस है क्योंकि यहाँ पे ना तो आप कुछ एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हो ना ही कोई टेंजल एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट हो रहा है और आपको सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो कोई भी टेंजिबल गुड जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है फॉर दंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम तो जो कंपनी है वो सिर्फ गारंटी कर रही है कि एस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्ट वो इनडेमिफाई करेगी पर्सन को जो शॉर्ट है उसको तो इंश्योरेंस जो है वो एक सर्विस है नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बल जो इंश्योरेंस और गैंबलिंग है देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है और कैसे सेम है सेम कैसे हैं दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों में रिस्क होता है पेमेंट जो आप करते हो वो एक पूल ऑफ फंड से की जाती है लेकिन दोनों डिफरेंट है है जो है वो इलीगल एक्टिविटी है जबकि जो इंश्योरेंस है वो एक लीगल एक्टिविटी है जो गैम्बलिंग है वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है जबकि जो इंश्योरेंस है वो प्योर रिस्क है जो गैम्बलरस है वो अननेसेसरी रिस्क ले रहा है जबकि जो इंश्योरर है वो प्रीमियम पे कर रहा है नेसेसरी रिस्क के लिए गैम्बलिंग में पर्सन अपने लिए खुद के लिए रिस्क रिस्क क्रिएट करता है और उस रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है पीस ऑफ माइंड फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करके उसके लिए लेकिन जो गैम्बलिंग है वो आपका पीस ऑफ माइंड ले लेता है नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज नॉट चैरिटी कंसीडरेशन जो है वो मेन डिफरेंस है बिटवीन चैरिटी एंड इंश्योरेंस चैरिटी आप जो कर रहे हो वो विदाउट कंसिडरेशन होती है लेकिन इंश्योरेंस में आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम तो जो पर्सन है जो इंस्टीट्यूशन है जो रिसीव कर रहा है चैरिटी वो कोई प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है लेकिन इन केस ऑफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है अगेंस्ट रिस्क जो भी आपने इंश्योर्ड जिसके लिए आप हुए हो तो चैरिटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है इंडेमिनिटी का मतलब है कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसका जो अमाउंट है आप कैलकुलेट करोगे कितने का लॉस है और उतना अमाउंट आप दूसरी पार्टी को पे कर दोगे ताकि सेम लॉस को रिकवर किया जा सके तो एक्चुअल अमाउंट जो है लॉस की जो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक्सीड नहीं करेगी वो पे की जाती है केस ऑफ लॉस इसका मतलब कि जो पर्सन है वो फुली इंडेमनीफाइड है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है अगर एक फिक्स पे किया जा रहा है चाहे आप लॉस अकर कर रहे हो चाहे अकर नहीं कर रहे हो इसका मतलब कि ये जो इंडेमनिटी वर्ड है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज नहीं होता है इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच